सबको मेरा नमस्कार अभी तक दिल्ली में टोटल 97 केसेस हुए हैं इन 97 केसेस में पांच ठीक होके घर चले गए दो लोगों की डेथ हो गई थी इनमें से एक व्यक्ति बीच में ही सिंगापुर चले गए थे 89 केसेस बचे हुए हैं इन 89 केसेस में एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आ, हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं भगवान करे वो भी ठीक हो जाए दो लोग ऑक्सीजन पे हैं बाकी 86 सभी स्टेबल हैं और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे मैं तो उनके लिए भी दुआ कर मांग रहा हूं जो कि वेंटिलेटर पे हैं उम्मीद करता हूं कि वो भी ठीक हो जाएं इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब के जब केसेस थोड़े से पिछले दो तीन दिन में तेजी से बढ़ने लगे दिल्ली में तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेजी से कोरोना फैल तो नहीं रहा इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं मरकज की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूंगा 41 केसेस फॉरेन ट्रैवल ट्रेवल वाले हैं जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने दो महीने में उनको भारत लाया गया वो केसेस हैं 41 वो केसेस हैं 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ 22 केस ऐसे हैं और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फिलहाल कंट्रोल में है कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है केसेस बढ़े हैं और मरकज का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी उसकी वजह से मरकज से जिन लोगों को निकाला गया है हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले दो तीन दिन में आए मरकज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए अब जब पता चला तो उनमें से आ, उनको पिछले कल से परसों से वहां से निकाला जा रहा है वहां पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं उनमें 441 लोग ऐसे हैं अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे मतलब उनमें सिम्टम्स थे किसी को खांसी थी किसी को बुखार था इस तरह के सिम्टम्स थे कोरोना के सिम्टम्स थे उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया इनमें सिम्टम्स नहीं थे इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है इटली में हजारों लोगों की मौत हो रही है चाइना में हजारों लोगों की मौत हुई है कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया इस वक्त नवरात्र के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं मक्का खाली हो गया वेटिकन सिटी खाली हो गया ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था आप सोच सकते हैं कि इससे कितने यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा ये सोच के भी डर लग रहा है भगवान ना करे ऐसा हुआ हो तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के ऐसी हरकत मत कीजिए चाहे किसी के धर्म के सभी इंसान है और हर इंसान की जिंदगी प्यारी है तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द जल्द इस पे आदेश दे देंगे और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी उसने एक्शन नहीं लिया इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ ये बहुत ही गलत है बहुत गलत है कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे तेलंगाना पहुंचने के बाद छह लोगों की उनमें से मौत हो गई कितने जो जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें, उसमें हिचकिचाएगी नहीं कुछ दुकानों में दुकानों में जो राशन बट रहा है बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं कुछ दुकानों में राशन खत्म हो गया है वहां पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ चिंता मत करो राशन हम रोज केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं तो आपका राशन आएगा हर व्यक्ति को राशन मिलेगा जिस, -जिस के पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो आप वहां पे अगर आज मान लीजिए राशन बंद हो गया खत्म हो गया तो चिंता मत करना कल आ जाएगा परसों आ जाएगा अगले तीन चार दिन में सबको राशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जो लोग गरीब हैं उनको भी राशन का इंतजाम कर रहे हैं वो भी सारी कार्रवाई रोज मैं मीटिंग ले रहा हूँ थोड़ा समय लग रहा है इसका कि कहाँ से राशन उठाएंगे कैसे करेंगे वो सारा हम कर रहे हैं उनको भी राशन देंगे तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं है आप सब लोग जो जो गरीब हैं और खाने को नहीं है आपके लिए हमने जगह जगह किचन लगाई है खाने का इंतजाम किया है अभी लगभग 800 जगहों के ऊपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है कल से ढाई हजार स्कूलों में और लगभग 250 नाइट शेल्टर्स में पौने तीन हजार सेंटर्स के ऊपर खाना बटना चालू होगा और एक एक सेंटर में लगभग 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम होगा तो आज तक हम लोग साढ़े तीन से चार लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली कल से हमारे पास 10 से 12 लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे लेकिन इस पर हमने काफी सोच विचार किया अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड़ उमड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा इसको बहुत ज्यादा सेंटर बना देते हैं तो लगभग पौने तीन हजार सेंटर्स में कल से खाना मिलेगा मैं उम्मीद करता हूं कि अब वहां पे सेंटर्स के ऊपर लोगों की भीड़ नहीं होगी हम दस से बारह लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आए पिछले कुछ दिनों में कई सारे उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपनी आ, अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की जो जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दे सकते हैं लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है अगर आप सीधे हमें पीपीई बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे अपने डॉक्टर्स की सेहत की चिंता है हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीपी सरकार भी खरीद रही है लेकिन अगर आप भी कहीं से अगर खरीद के सीधे पीपी -पी दे सकते हैं या वेंटिलेटर दे सकते हैं या टेस्टिंग किट्स दे सकते हैं इन तीन सी चीज़ों की इस वक्त सख्त ज़रूरत है हम भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से लेने की ला रहे हैं लेकिन अगर आप भी खरीद के दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर सीधे खरीद के दे सकते हैं आप सुखी रहें आप स्वस्थ रहें ऐसी मैं तो प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके थैंक यू